This news is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। सिलसिलेवार हुई लूट का खुलासा, 5 आरोपियों से लूट की रकम, बाइक और मोबाइल बरामद। नहीं थम रहा CMD कॉलेज में विवाद, छात्र संगठन आमने सामने। पीड़ितों ने चीट फंड कंपनी की कलेक्टर से की शिकायत, 50 करोड़ के लेन देन का मामला। और हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ, मृतक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। और बुलेटिन की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। शहर में एक ही दिन में 4 लूट की घटनाएं हुई, जिसे IG ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत टीम गठित कर आरोपियों को 2 दिन में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। शहर में एक ही दिन में लूट, चेन स्नैचिंग, चोरी जैसी घटनाओं से शहर दहल उठा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए IG पवन देव ने सारे मामलों की जानकारी ली और जल्द आरोपियों को पकड़ने आदेश दिया। पुलिस के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की, CCTV भी खंगाले, जिसमें कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। तोरवा थाना क्षेत्र और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना को IG ने काफी संवेदनशील माना। यह घटना करबला रोड, यश पैलेस, तारबहार रेलवे फाटक, DRM ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर वारदात हुई, जिसमें लुटेरों ने मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, सोने की चेन और नगद रुपए लूट किए थे। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे थे। 5 तारीख को सिलसिलेवार जो लूट की घटनाएं हुई थी और जो चोरी की घटनाएं हुई थी, उन सभी को पुलिस ने सुलझाने में सफलता प्राप्त किया है। 3 लूट जो कि 5 तारीख को दर्ज हुए थे, उन तीनों में लूट के आरोपी पकड़ लिए गए। और विनोबा नगर में मंदिर से जो दान पेटी की चोरी हुई थी, उस घटनाक्रम को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। इनको उस पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा जो चोरी की घटनाएं हुई थी सिटी कोतवाली में, उन्हें भी थाना सरकंडा में पकड़ लिया गया है। तो इस प्रकार दिनांक 5 को जितनी भी घटनाएं हुई थी, सभी को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर सुलझाने के समय सफलता प्राप्त किया है। पुलिस ने लूट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग है। आपको बता दें कि इस घटना का मास्टरमाइंड रोहित मलिक नागपुर का रहने वाला है, जो बिलासपुर आकर अपनी गिरोह चलाता था और लूट की घटना को अंजाम देकर वापस नागपुर चला जाता था। इसमें 3 लोग जो मुख्य रूप से थे, उनको गिरफ्तार किया है और जिनके पास उन्होंने संपत्ति रखा था, उनको उसमें भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में कुल 12 लूटे हुए मोबाइल जब्त किए हैं, 2 चेन और 2 अंगूठियां और पर्स जो कि लूटा गया था, उन सभी चीज़ों सामग्रियों को बरामद कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी जो था वो नागपुर का था और उसके यहाँ पे 2 अन्य साथी थे और इन लोगों ने सफ़ेद एक्टिवा स्कूटर में घूम घूम के शहर के 3-4 स्थानों पर वारदात किए थे। एक ही दिन में हुई सिलसिलेवार वारदातों से शहर के लोगों में खौफ का माहौल था, मगर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाने से सभी लोगों ने राहत की सांसें ली है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। इधर लाख हिदायत के बावजूद निगम के सफाई ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। निर्देश के बावजूद स्मृति वन के पीछे कचरा डंप करने का सिलसिला जारी है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों की शिकायत पर कचरा डंप ना करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निगम के नियमों को तार तार करते हुए ठेकेदार द्वारा कचरा डंप करने का काम अब भी जारी है। क्या है, पूरा रोड पे कचरा आ जा रहा है, जो इन लोग डंप कर रहे हैं, बदबू अलग आता है, प्लस क्या बोलते हैं, धूल उल बहुत धुआं उड़ रहा है, वहाँ आने जाने वालों को परेशानी हो रहा है। बगल में ही हम लोग का स्मृति वन है जिसमें बहुत प्रदूषित हो रहा है, वो वहाँ से हटा के इसको और कहीं करना चाहिए जहाँ पे परेशानी मत हो पब्लिक को। सरगंडा से सीपत की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग को फोर लेन बनाने 2 साल पहले प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद फोर लेन काम शुरू करने सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कटाई भी की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में चला गया है। इसके बाद से लेकर अब तक कार्य शुरू नहीं कराया गया है। यह उम्मीद की गई थी कि फोर लेन के बनने से भारी वाहन, बस, ट्रक सहित सभी को सुविधाएं मिलने लगेगी, किंतु अब तक कार्य शुरू न होने से लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। परेशानी तो बहुत है, आप आके देखेंगे तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि ये मेन हाईवे है, ये सीधा रायपुर जाता है सीपत से होते हुए, तो यहाँ ट्रक की आवाजाही डेली है और आप देख सकते हैं अभी डेली में एक्सीडेंट होते रहता है ट्रक का, तो यदि फोर लेन बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी बहुत परेशानी है, प्लस स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा है, वही बहुत परेशानी है। इधर ग्राम पंचायत लिटिया के आश्रित ग्राम मोहदी में लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बन रही सीसी रोड पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है, जिसका प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि सीमेंट से बनी इस रोड को हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, यहां तक के नीचे बेस गिट्टी नहीं होने की वजह से नीचे से रेत आसानी से हाथों में आ जाती है। गांव वालों ने जब इस रोड को अच्छे से बनाने की मांग की तो उन्हें रोड बनाने वाले ठेकेदार के गुर्गों ने धमकी तक दे डाली। रोड बनाने वालों ने कहा, हम ऐसे ही कार्य करेंगे, आप जिसे शिकायत कर सकते हैं कर लीजिए, शासन प्रशासन से हम डरने वाले नहीं। यह ठेकेदार अपनी मर्जी से एस्टिमेट को ताक में रखकर इस कार्य को अंजाम दे रहा है, जिससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि सरपंच, सचिव और अधिकारियों के बीच काफी अच्छी सेटिंग है। लगभग 5 लाख का निर्माण है और मोहंदी में प्रवेश द्वार से स्क्रू रोड का है जो बस्ती आने के लिए है, इसमें लगभग पूरा ये गुणवत्ताहीन काम है। सबसे पहली बात तो मैं इसको इंजीनियर को कई बार शिकायत कर चुका था, काम ही चलते समय बंद भी करवाया था, काम को रोकवाया भी था कि काम गलत हो रहा है सर, और ट्रेल में इसमें गुणवत्ता खराब है और सीमेंट की मात्रा नहीं है, पूरा रेती से हो रहा है, और इनका जो गहराई वगैरह है, जो बगल का फर्मा रहता है वो जो स्लेप 8 इंच का वो कम है करके कई बार उनको शिकायत भी किया हूँ। हाँ, नीचे में इनका कुछ नहीं, बस वो रेती को फिलिंग करने के बाद सीधा ढलाई किए हैं इसमें। रोड तो सही नहीं बना है सर, अब बोले सर हम लोग आपत्ति भी किए तो जो भी कर लो ऐसे बोल दिए, सरपंच और गांव का एक और पंच था वो उसके साथ में धमकी दिया जा रहा था, जाओ कुछ भी कर लो हमारे प्रति, हम ऐसी बनाएंगे ऐसे बोल कर दी। इंजीनियर आए थे वो भी एस्टीमेट में अपना बता के चले गए थे, तो उसमें उतना समय बनवा दिया, तुरंत हम बदल दिए, उन लोग फिर बोले हम लोग तो उन लोग नहीं मान रहे थे। अब रोड तो गुणवत्ताहीन है सर, उसमें कोई अच्छे से नहीं बना है, उसमें मटेरियल भी कम डला है, जिसका एस्टीमेट था उतना सीमेंट नहीं डल पाया और रीती से ज्यादा मात्रा में बना दिए हम लोग। लंबाई भी इसकी कम है, जितना जो सेक्शन हुआ है उससे कम है, और जिसमें इसमें मटेरियल जो डालना चाहिए वो भी कम है, और हफ्ता दिन बना ही नहीं हुआ है, ये रोड फट गया है बीच से, और इसमें ट्रैक्टर गाड़ी पूरे गाँव की, ये मेन निस्तारी रोड है, ये बहुत कम समय में साथ ये अभी से उखड़ना चालू हो गया है। जब निर्माण हो रहा था तो मैं गया था स्वयं देखने के लिए, उस समय काम चल रहा था, अब इसके बाद मैं 3 दिन से उस क्षेत्र में गया नहीं हूँ, जाके आप लोग नॉलेज में संज्ञान में लाएं तो उसके कार्रवाई करेंगे, जांच होगा तो उसके या सुधार की गुंजाइश होगा सुधार करेंगे, और जो इंजीनियर है उनसे जवाब लिया जाएगा कि इस प्रकार की गलती और एजेंसी से क्यों हो गई। बीते दिनों सीएमडी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय में हुई आगजनी मामले में अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, जिसका नतीजा है कि छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि गुरुवार की रात खाना खाने जा रहे एक छात्र पर दूसरे संगठन के छात्र ने हमला कर दिया, जिससे आहत छात्र का सिर ही फट गया। घटना की रिपोर्ट तारबार थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। 11:30-12 बजे के आसपास मैं खाना खाने गया था बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे अवनेश ललन बोले और बीके का छुआ और उसके अन्य साथी मौजूद थे, है ना। और उसके बाद जब मैं खाना खाने के लिए बैठा था उस टाइम पे बीके और ललन आके जग से और कुछ कुछ सामान रखे थे जो मैं देख नहीं पाया, जब सर पे चोट लगा उसके बाद मैं वहाँ पे बैठ गया था सर पकड़ के, जो ब्लड लगातार बह रहा था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज कराई है तारबार थाने में। गुरुवार से 23वीं राष्ट्रीय बालक बालिका जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भतरा इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया,
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य में और संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा के विशिष्ट आतिथ्य में इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहां खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन कर सभी की सराहना बटोरी। इस दौरान सभी खिलाड़ियों को विजेता बनने लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रदर्शन करने नसीहत दी गई। जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स का आयोजन इस छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इस आयोजन के समिति के हमारे अध्यक्ष हमारे करने का आपने जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सबको विदित है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नवोदित प्रदेश है। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश से पृथक होकर के, और इस 15 साल के अंदर में इस छत्तीसगढ़ ने एक सभी प्रदेशों से और अलग हिस्सों से टीम आए हुए हैं और लगभग 1000 खिलाड़ी और पदाधिकारी, ऑफिस बेयरर्स, रेफरीज, प्रशिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है इस प्रकार के नेशनल टूर्नामेंट का मेजबानी करने का मौका मिला है और हम लोग ने पूरा प्रयास किया है। इधर मस्तूरी के ग्राम पंचायत बकरकुदा में सरपंच और सचिव की मनमानी की शिकायत ग्रामीणों ने की है, जहाँ शासकीय योजनाओं के नाम पर बड़ी अनियमितताएं उजागर हो चुकी हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। ग्राम पंचायत बकरपुदा सब आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, लेकिन वहां के सरपंच के द्वारा, सरपंच, सचिव और मजदूरी कर्मचारी गण के द्वारा घोर अनियमितताएं मिलकर के किया जा रहा है, जिसके तहत हमने कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया गया था, तो कार्यवाही सरपंच बर्खास्त चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के खिलाफ शिकायत लेकर शुक्रवार को धनराशि जमा करने वाले निवेशकों और अभिकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि लगभग 50 करोड़ रुपए शहर से ही कंपनी में जमा किए गए हैं, जो संभाग में और भी बड़ी राशि के रूप में है। 2012 से अब तक निवेश किए गए पैसों का भुगतान कंपनी नहीं कर रही है, लिहाजा अभिकर्ता और निवेशकों ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर पैसों का भुगतान कराने की मांग प्रशासन से की है। साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड और साई प्रसाद प्रॉपर्टीज कॉरपोरेशन एक ग्रुप ऑफ कंपनी था, जो कहा जाए इन्वेस्टमेंट सेक्टर था। 13 जैसी 12-13 लगा है, उसके बाद से ना 5 पैसे का MIS मिल रहा है, ना कस्टमर का, ना सेल्फ, हम लोग का भी नहीं मिल रहा है, ना हम जिनको बोले हैं बताए हैं जिनको, उनका भी नहीं मिल रहा है। और कहा जाए ना MIS मिल रहा है, ना कहा जाए उनका मैच्योरिटी मिल रहा है, जिसको बोलते हैं परिपक्वता राशि बोलते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। यही सब समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे। प्रबंधन पैसा देने के लिए तैयार है सर, उसका ये कहना है कि हमारे अकाउंट सेबी ने सीज कर दिए हैं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रहा है। और प्रबंधन यही हर हमको बार बार हम लोग पुणे शहर गए, वहाँ हमको यही आश्वासन दिया कि जैसे मेरा जमीन बिकेगा मैं पैसा वापस करूंगा, ये आश्वासन दे देते। आज लगभग 1.5 साल हो गए सर, आज लोगों का पैसा वापस नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मेले के पहले दिन स्टॉल लगाने की कवायद जारी रही और अनेक स्टॉलों में कामकाज भी शुरू किया गया। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए इस मेले में झूले आदि भी लगाए गए, जिसे पहले दिन से ही शुरू कर दिया गया। इस मेले के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे देखने लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ज्ञात हो कि यह मेला 8 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा, जिसमें खान पान के साथ ही मनोरंजन का भी इंतजाम रहेगा। राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला आज से प्रारंभ हो गया है। 500 स्टॉल लगे हैं, लोग अपने स्टॉल को सजाने में लगे हैं, चारों तरफ भीड़ दिखने लग गई है।
कल इसका विधिवत शुभारंभ 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यातायात पुलिस, जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर देंगे। प्रदेश में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा के बोलने वालों की अपेक्षा लिखने वालों की संख्या ठीक आधा है, उसी प्रकार अंग्रेजी लिखने वालों की अपेक्षा बोलचाल में प्रयोग करने वालों की संख्या कम है। अंग्रेजी के शिक्षक ही इस भाषा को केवल परीक्षा में पास होने के लायक ही समझा और समझ पाते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल के छात्र भी अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन ना कर पाने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों में उपेक्षित रह जाते हैं। इसका कारण क्या है और इसका हल क्या हो सकता है, इसके लिए देश के अलग अलग जिलों में सेंटर बनाकर 10 दिवसीय प्रशिक्षण अंग्रेजी शिक्षकों को दिया जा रहा है। मालूम हो कि प्रदेश में केवल बिलासपुर में इसके लिए केंद्र बनाया गया है जहां प्रशिक्षण दी जा रही है। अंग्रेजी का शिक्षण जैसा कि आप जानते हैं क्लास पहली से ही अनिवार्य है हमारे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए योजना के अंतर्गत हर जिले में केंद्र होना था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में केवल बिलासपुर में केंद्र है और सबसे भारत का सबसे प्राचीन केंद्र है ये। 8 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य था कि आसपास के अंग्रेजी शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण देना। तो अंग्रेजी पढ़ाने के नाम पे अधिकांश हम लोग परीक्षा में पास करने लायक उनको बनाते हैं, जबकि भाषा बोलने के लिए बनी हुई है ये चीज़ हम लोग सबसे पहले बताते हैं। छत्तीसगढ़ी लिखने पढ़ने वालों की संख्या उन लोगों से बहुत कम है जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है कि अंग्रेजी में बोलने वालों की संख्या है। सरगांव मोतीमपुर अनुरागी धाम में इस वर्ष की अध्यात्म की अविरल धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित होती रही, जहां स्वामी संतों के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा भी गुरु चरणों की महत्ता का गुणगान करते हुए पूजा अर्चना की। मोतीमपुर अनुरागी धाम में अनुयायियों की बढ़ती आस्था श्रद्धा के साथ ही बड़े वृहद स्तर पर अब धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी अनुरागी जी ने 7 जनवरी को ही समाधि ली थी, लिहाजा श्रद्धालुओं ने इस समय को ही विशेष रूप में मनाने की शुरुआत की। अब यहाँ नवधा रामायण यज्ञ एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें साधु संतों के अलावा प्रदेश स्तर के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। स्वामी रितेश्वर महाराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक एवं संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा ने इस अवसर पर गुरु की महिमा को सर्वोपरि बताया। यह पवित्र भूमि स्वामी अनुरागी महाराज जी का समाधि स्थल है। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, श्रद्धा भक्ति और भाव और जो भी आते हैं यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, जो उनके कामना है मनौती है वो पूर्ण होते हैं। हम जो कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आज लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। मानस मंडली का रामचरित मानस का नवधा रामायण का आयोजन किया जाता है और इस नवधा रामायण के भगवान श्री रामचंद्र जी के उनके जीवन व्यक्तित्व कृतित्व बड़े दूर दूर से मानस मंडली आकर के गायन करते हैं। बड़े ही भक्ति भावपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हमें स्मरण दिलाने के लिए हमारे जीवन में उन संतों उन महान गुरुओं का याद फिर से ताजा हो जाए और हम उनके पद चिन्हों पर चल सके, इसके लिए ये अनुष्ठान और आयोजन होते हैं। और इस अनुष्ठान का मूल उद्देश्य भी यही है कि अति व्यस्ततम समय से सांसारिक गतिविधियों से थोड़ी अलग हटकर हम भगवान के चरण में अपने मन को लगाते हैं। इसे एक पवित्र धाम के रूप में निर्माण किया है और जैसे बाबा की एक अभिलाषा उनका हमेशा रहा कि वो ऐसे जगह में ध्यान करें, ऐसे जगह में वो लीन हो जहाँ के किनारे से नदी का प्रवाह हो, शांति हो, हरियाली हो। और आज की ये धाम जिसके बारे में मुझे जानकारी है, एक समय पूरे बंजर
और कुछ पेड़ पौधे बस हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे उनका समाधि भी है, यहीं पे वो ब्रह्मलीन हुए हैं, उनका पार्थिव शरीर यहीं से लीन हुआ है धरती मार्ग के साथ। जनवरी में यह भव्य आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जहां क्षेत्रवासियों के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आयोजन स्थल पर मेले के अलावा पर्यटन स्थल के रूप में भी विकास किया गया है, जो इस स्थान को और भी रमणीक बनाता है। 2007 में मोदी जी का शरीर उसके पास से हुए है, पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है, और हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बस ये है कि उनकी दुनिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जिस भावना से हमें सिखाया था कि दुनिया के सारे लोगों को खाना खिलाना, वही हमारा उद्देश्य रहता है कि इस पुण्यतिथि में अधिक से अधिक लोगों को भंडारा कराए, भोजन कराए। कार्यक्रम में 7 जनवरी को अखंड नवधा रामायण का समापन हो गया, जहां यज्ञ आहुति के साथ ही 21 मंडलियों और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। सकरी चौकी अंतर्गत मेंड्रा गांव में बीते दिनों मिली लाश के बारे में पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस अज्ञात लाश के मामले में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। वहीं पहले युवक के पहचान के बारे में पता साझी कर रही है। सकरी चौकी के मेंड्रा गांव में गुरुवार की सुबह युवक की लाश मिली थी, जिसमें गर्दन में धारदार हथियार से वार किया गया था। यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था, तो पास में जाकर के देखे तो गले में धारदार हथियार से उसको काटा गया है। इस पर हम लोग सूचना देने गए थे सकरी चौकी, फिर वहाँ से पुलिस वाले आए, अपना वो छानबीन कर रहे हैं। बीएड के सिलेबस को अब 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। सिलेबस के अध्यापन और अध्ययन में किसी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए शिक्षा महाविद्यालयों में कार्यशाला और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की बारीकियां बताई जा रही है। पीजीबीटी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला में बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी डी शर्मा ने उद्देश्यों की जानकारी देते हुए चर्चा किए गए मुख्य समस्याओं की जानकारी दी। एनसीईआरटी और बीयू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का रिपोर्ट एनसीईआरटी भेजा जाएगा। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बीएड का 2 वर्ष का कार्यक्रम रखा गया है। ये पहली वर्कशॉप देश में एनसीईआरटी के द्वारा विश्वविद्यालय मिल करके कर रहे हैं, जिससे कि जो 2 वर्षीय सिलेबस बना है उसको लागू करने में अगर टीचर्स को कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या दूर की जाए। बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, दिल्ली से, बेंगलोर से और मार्केट से, छोटी से छोटी समस्याओं का 2 दिन में और उनका निवारण, चाहे वो किताबों से जुड़ी हुई हो या रिसर्च से या उसको पढ़ाने से जुड़ी हुई हो, वो सारी समस्याओं के लिए। पिछले दिनों पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को तखतपुर के गांधी पुतला के पास श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए सभी दल के लोगों ने नम आंखों से शहीदों को याद किया। साथ ही शहर में जन समुदाय ने भी शहीदों के चलचित्र पर माल्यार्पण कर सभी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के शहर पे, यहाँ हमारे पठानकोट के एयरबेस पे हमला करने के लिए धोखे से घुसा है और हमारे जाबाज साथियों की हत्या की, उसके विरुद्ध में भारतीय सैनिकों ने जो अपने बलिदानी दी और उन्हें खदेड़ा और उनको मारा, इसके लिए हम सब यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के अर्पित हुए और यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग और उनके शहर पे जो हमारे अंदर घुस के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, इसका अब हमें भारतवासियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है कि जैसे पूर्व में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। इधर स्वर्गीय राजेश सिंह ठाकुर की स्मृति में फ्लड लाइट प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसका फाइनल मैच गुरुवार रात को खेला गया। इस मैच के मुख्य अतिथि प्रिंस भाटिया रहे, जिन्होंने जीतने वाली टीम को शिल्प प्रदान कर किया। वहीं आयोजन समिति को बधाई देते हुए आयोजन को हर साल कराने की सलाह दी और किसी भी प्रकार की जरूरत होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही। मेरी उम्मीद से अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, मैं तो सोच कर नहीं आया था कि ऐसा टूर्नामेंट होगा। दी गई और सभी कुछ बहुत अच्छा था और अगले साल के लिए भी अगर कराएं तो बेस्ट ऑफ लक। मेरा कहीं भी कोई सपोर्ट लगे प्लीज मुझे याद कर लेना और फाइनल नहीं मत करना, पहले याद कर लेना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।